स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगारज्ञान.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनवाड़ी की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 2600 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हैं। यहीं से आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, साथ में अप्लाई करने का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग सिंपली अप्लाई भी कर पाएंगे। काफी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है उन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जिनके पास ज्यादा अप्लाई करने का शुल्क नहीं है और वो आंगनवाड़ी को ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका जो आवेदन शुल्क है केवल और केवल 25 रुपये रखा गया है, तो आप सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25 रुपये के एप्लीकेशन फीस के अंदर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आपकी जो मैक्सिमम एज है अप्लाई करने की वो 40 यानी कि 40 साल की रखी गई है। अगर आपकी एज भी 40 साल के अंदर या 40 साल तक है तो आप सभी लोग आवेदन फिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी खास बातें हैं। 2693 पोस्ट वैकेंसीज के ऊपर नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है। आप लोग चाहें तो भारत के किसी भी राज्य से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। कैसे करना होगा इसके बारे में भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप लोग सचमुच आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, आंगनवाड़ी के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर साल 2022 के अंदर जॉब पाना चाहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने की डेट्स के बारे में जानकारी दी गई है, आप लोग यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। 3/8/2022 यानी कि 3 अगस्त से लेकर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो आखिरी डेट है 24/8/2022 यानी कि 24 अगस्त तक की रखी गई है। यानी कि आपके पास आवेदन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और ध्यान से नोटिफिकेशन को रीड करके आराम से अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुख्य सेविका के तहत यहाँ पे पोस्ट है, आपको 2693 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार डिपार्टमेंट आपका होने वाला है। इट मीन्स कि यहाँ पे आंगनवाड़ी की तरफ से आपको वैकेंसीज के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। 2693 नंबर वैकेंसी हैं, आपको सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए होगी, यानी कि आपके पास आवेदन करने का मौका आ चुका है। ज़रूर से आप लोग आवेदन फिल करें। सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बताया गया है कैसे आपको आवेदन करना है। आपको upssc.government.in की तरफ से अप्लाई करना है। ये एक गवर्नमेंट जॉब यानी कि पक्की सरकारी नौकरी होने वाली है, जहां पे 60 सालों तक आपको काम करना होगा और काफ़ी अच्छा वेतन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। आवेदन कैसे करना है आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आगे हम जानकारी दे देंगे। फोटो सिग्नेचर आपको रेडी रखने होंगे जब आप लोग आवेदन करेंगे। इसके अलावा फीस का भुगतान के बारे में जानकारी दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पे फीस के बारे में भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आप लोग नीचे आएंगे, आपको सबसे पहले चेकआउट कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इतनी कम फीस है कि कोई भी यहाँ पे कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 25 रुपये यहाँ पे ऑनलाइन प्रतिक्रिया की शुल्क है, आवेदन शुल्क बिल्कुल 0-0 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 रुपये, वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया की शुल्क है। अनुसूचित जाति के लिए भी सेम 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए और विकलांग यानी कि यहाँ पे जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे 25 रुपये एप्लीकेशन फीस रखा गया है।
यानी कि बहुत ही कम फीस मात्र पर आप सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपको यहाँ पे आवेदन पत्र में संशोधन के लिए बताया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है नाम में बरतनी की गलती हो गई, पिता या पति के नाम में बरतनी की गलती, या पत्राचार का पता में गलती हो गई, या जाति में किसी भी चीज़ में यहाँ पे गलती हुई, तो सुधार सकते हैं आप लोग। उसकी डेट यहाँ पे बताई गई है कब तक आप लोग सुधार कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करें अगर कि आपको पोस्ट वगैरह की डिटेल कहां से देखने को मिलेगी, तो फोर्थ नंबर पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पदों का विवरण करके सारणी फर्स्ट यहां पे बताया गया है। यहां पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, इट मीन्स कि यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा आंगनबाड़ी, यहां पे पद नेम यहां पे आपको मुख्य सेविका का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहां पे वेतन की बात करें तो 5200 से 20200 का वेतन और 2800 रुपये का ग्रेड पे लेवल 5 में स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा। जनरल कैटेगरी के अंदर मैक्स टू मैक्स आपकी एज 40 साल की होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के अंदर आपकी जो यहां पे वैकेंसी है 1079 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति के अंदर 565, अनुसूचित जनजाति के अंदर 53, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर 727 और ईडब्ल्यूएस के लिए 269 पोस्टें, और इस तरह से टोटल आपको 2693 पोस्ट वैकेंसी के ऊपर ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके बाद यहां से सारणी दो है, यहां पे आप देख सकते हैं इसके अंदर भी कुछ रखे गए हैं, और ये जो है तो इसको रिजर्व कैटेगरी बोला जाएगा, तो आप इससे जो है तो ऊपर वाले को देखें। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन किया गया है कि रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है, यानी कि जरूरत के हिसाब से जो वैकेंसीज हैं इनको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद आपकी आयु सीमा है, मैक्स टू मैक्स 40 साल से ऊपर की आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। चयन का आधार आपका लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी कि जो सिलेक्शन है आपका रिटर्न एग्जाम के बेस पे होगा। इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी दी गई हैं, 21 पेजों का नोटिफिकेशन है, आपको अच्छे से एक बार डाउनलोड करना है और उसके बाद रीड करना है। बाकी जो बची हुई जानकारी है वो आगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी, बस आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 2693 पदों पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ अप्लाई करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इन वैकेंसीज के लिए मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, और आवेदन करने की जो आखिरी डेट है वो 24 अगस्त 2022 की होने वाली है, यानी कि आवेदन करने के लिए आपके पास काफी टाइम बचा हुआ है। आप लोग आराम से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड करें और अप्लाई करें। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो, केवल और केवल 25 रुपए आपका एप्लीकेशन शुल्क यहां पे लगने वाला है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग चाहें तो भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो एज है वो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल होनी चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से आप सभी को फॉर्म फिलअप करने होंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में आपको आगे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो तुरंत कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। अगर आप लोग किसी भी कंपनी के लिए घर बैठे काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश में है, तो यहां पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप लोग एक बार जाके जरूर से चेकआउट करें। इसके बाद यहां पे ऑर्गेनाइजेशन आपका सेम रहेगा, बाल विकास सेवम एवं पुष्टाहार यहाँ पे देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2693 पोस्टें मिलेंगी। यहाँ पे पोस्ट आपको मुख्य सेविका यानी कि हेड सर्वेंट की मिलने वाली है।
इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने हैं। अक्रॉस इंडिया यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट 40 साल तक की उम्र वाले आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये आप सभी को अप्लीकेशन शुल्क पे करना है। देन यहाँ पे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग चाहे तो क्लिक पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद बात करें कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। वेतन आपको इनके रूल के हिसाब से 5200 रुपये से लेकर 20200 प्लस यहाँ पे 25 से 2800 रुपये तक का ग्रेड पे भी आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन 12th और ग्रेजुएट डिग्री है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे फोटो सिग्नेचर और आपका जो सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम के बेस पे होने वाला है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, 3 अगस्त 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे क्लिक करके 3 अगस्त से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले आपको अप्लाई करने का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। डाउनलोड नोटिफिकेशन की बटन पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोग विजिट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, आंगनवाड़ी की तरफ से वैकेंसी है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं 300 लाइक का टारगेट है। इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट ताकि आपको अप्लाई करने की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।